लाहौर हाईकोर्ट में कशीदा सूरत हाल, लेकिन पुलिस भागने पे मजबूर। वकला ने बड़ा मैदान फतेह कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट के अतराफ के ये मनाजर हैं, जहाँ पे काफ़ी दिनों से ये इलाका कशीदा सूरत हाल अख्तियार कर चुका था, लेकिन आज जो वकला की साबित कदमी है उसने पंजाब पुलिस को आगे लगा दिया है। पंजाब पुलिस भागने पर मजबूर है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जो पंजाब हुकूमत है वो भी इस वक्त वकला के ऊपर जो है वो डंडे बरसा रही थी। पुलिस गर्दी का इस्तेमाल किया जा रहा था, शायद इसलिए कि वकला इमरान हाँ के साथी थे, इमरान हाँ की हमायत याफ्ता थे, इमरान के साथ खड़े हुए थे डट के। और जो फस्तियत का दौर है, इसमें जो एक ही आवाज़ हमें नज़र आती थी ह्यूमन राइट्स के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, वो वकला की आवाज़ थी। और उस आवाज़ को दबाने के लिए मरियम नवाज़ की हुकूमत ने ख़ास तौर पर जो पुलिस का इस्तेमाल किया और जो कुछ किया वो एक अपनी मिसाल आप है। वकला के ऊपर तशद्दुद किया गया, केमिकल मिला, पानी उनके ऊपर फेंका गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके बावजूद वकला डटे रहे और इस फस्तियत का मुकाबला करते रहे। वकला काफ़ी वकला ज़ख्मी भी हुए, लेकिन इसके बावजूद वकला ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। पुलिस भागने पर मजबूर हो चुकी है और वकला ने की जो साबित कदमी है उसने ये साबित कर दिया है कि अगर आप डट के खड़े रहेंगे तो जीत आपकी होगी। आपकी जो जदोजहद है वो एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, और यकीनी तौर पे वो जदोजहद रंग ले आई है और वकला जो है वो कामयाब हो चुके हैं। इमरान हाँ के साथी यहाँ पे काफ़ी मौजूद हैं, जो तरीके इंसाफ के अहमियत याफ्ता वकला हैं वो भी काफ़ी कसीर तादाद में यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। और जो तरीके इंसाफ के मेम्बरान हैं वकला वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम ग्रुप के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, अफजाल पाट और दीगर वकला भी यहाँ पे कसीर तादाद में दिखाई देते हैं। LF के जो प्रेजिडेंट हैं लाहौर के वो भी यहाँ पे मौजूद थे। गुज़श्ता दिनों उनके ऊपर भी पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया था। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि जो वकला के मेन लीडरशिप है वो भी काफ़ी एक्टिव दिखाई देती है। और लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर असद मंदूर भट्ट जो इस वक्त इसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी साबित कदमी का मुजाहरा करते हुए पुलिस का जो तशद्दुद है वो बर्दाश्त किया और वो ये मैदान फतह करने में कामयाब हो गए हैं। जिस तरह इमरान हाँ कहा करते थे कि मैं ये जंग ज़रूर जीतूंगा, तो उन्होंने ये जंग जीत के हमें दिखाई। और अब उसी नक्शे कदम पर चलते हुए वकला ने भी ये सब कुछ कर दिखाया। वकला ने भी ये साबित कर दिया है कि अगर आप खड़े रहेंगे और इस फस्तियत का मुकाबला करेंगे, ये बज़ाहरी तौर पर कुछ देर आपको मुश्किल तो होती है, लेकिन इस मुश्किल के बाद आसानी भी फिर ज़रूर आती है। और वो आसानी आई है, पंजाब पुलिस भाग गई है, पंजाब पुलिस ने दौड़े लगाई हैं। और वकला के जो आप फ्लग चगाफ नारे सुन सकते हैं कि किस तरह जो वकला हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, और उनके जो नारे हैं वो इस वक्त काफ़ी दीदनी हैं। और पंजाब पुलिस हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, ना कि ना ही पंजाब पुलिस, बल्कि पंजाब पुलिस के जो हेडलर हैं वो भी आप दिखाई नहीं देते। ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ आप दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे कि कहाँ से वो मरियम नवाज़ आएगी और ये चीज़ें करेगी। तो अब आप ये गौर से देख सकते हैं कि वकला की जो साबित कदमी है उसने साबित किया है कि ये जंग वकला जीत चुके हैं। वकला के ऊपर जो जुल्म किए गए हैं उन जुल्म का अब वो वकला की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम इन मुजालम का बदला लेंगे, इस बदले के बगैर हम वापस नहीं हटने वाले। अब एक महाज हमने फतह किया है और दूसरा महाज अभी बाकी है फतह करना, वो महाज भी हम फतह करेंगे। उनकी वकला की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि IG को यहाँ पर तलब किया जाएगा और दीगर जो पुलिस के आला काम हैं उनको तलब करके ये उनसे पूछा जाएगा कि ये उनको हकामात किस तरफ से जारी किए गए थे कि जो उन्होंने वकला के ऊपर ये लाठीचार्ज किया और ये सब कुछ पुलिस गर्दी का इस्तेमाल किया गया। बजाय तो एक जमहूरी हुकूमत नज़र आती है, लेकिन अब वो जमहूरी हुकूमत नहीं है बल्कि एक फस्ताई हुकूमत नज़र आती है। जिस तरह ये जो है वो डंडे का इस्तेमाल कर रही है, पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। और जो लोग अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं एहतजाज का, धरने का, रैली का, प्रोटेस्ट का, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है और उसको डंडे के ज़ोर पर रोका जाता है। तो ये जमहूरियत नहीं है, ये बल्कि एक आमरीत का इसको दूसरा लबादा कहा जाए तो ये गलत ना होगा। लेकिन वकला इसके बावजूद डटे हुए हैं और डट के खड़े हुए हैं और वो पीछे नहीं हट रहे। तो वकला की जानब से ये आज फिर नारेबाजी भी की जा रही है और ख़ास तौर पर इस वक्त वकला की जानब से पंजाब पुलिस के हवाले से और पंजाब हुकूमत के खिलाफ काफ़ी नारेबाजी हमें दिखाई देती है होती हुई। जिंदा है वकला, 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 जिंदा है वकला।
सारे ठीक हो। वाइड आजो, वाइड आजो सर, वाइड आजो, वाइड आजो, वाइड आजो, वाइड आजो, आजो वाइड आजो, वाइड आजो। अलग आजो पीछे का। भाई जान ना बोल रहा है, 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 ना बो